പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണമെഡൽ നേടുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം നായകൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ്. മികച്ച ടീമാണ് പാരീസിലേക്ക് പോകുന്നത്. ടോക്കിയോയിലെ മെഡൽ നേട്ടം ആത്മവിശ്വാസം ഏറെ വർദ്ധിപ്പിച്ചെന്നും ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് 24നോട്. ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം നായകൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. സർ, ലാസ്റ്റ് ടൈം വി ഗോട്ട് എ മെഡൽ, ദിസ് ടൈം വാട്ട് ഇസ് ദ വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്? बिल्कुल सर, लास्ट टाइम आई थिंक जो हमने किया बहुत प्राउड की मोमेंट है हमारे लिए एंड देश के लिए भी. एंड इस टाइम भी सेम सर, हार्डवर्क पूरा हम ज़्यादा कर रहे हैं कि जो लास्ट हमने किया उसे और बेहतर कैसे कर सकें. तो ट्रेनिंग, एवरीथिंग इज गोइंग गुड सर. यू आर द लीडर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन इन योर स्क्वाड? वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस एंड यंगस्टर्स ऑल्सो मिक्सड. बिल्कुल, जो टीम आई थिंक सेलेक्ट हुई है ऑलमोस्ट जो हम एशियन गेम के लिए गए थे वो सेम टीम है. एंड उन सभी ने मेजर टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, सो दे नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर एंड ऑल. बट कॉन्फिडेंट हैं एंड एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है टीम से, स्ट्रॉन्ग है टीम हमारी. बट जितना भी हमारे पास अभी टाइम है तो हम अपना बेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे. गोइंग इन द ट्रेनिंग ऑल्सो? वेरी गुड सर, वेरी गुड. आई थिंक वी जस्ट फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन डिफेंस एंड यू नो फिनिशिंग. सो वो दो चीज़ें हैं जिस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि एज ए टीम डिफेंस कैसे करनी है. एंड जब भी ओपनर्स के डी में या 25 में जा रहे हैं तो वहाँ से आउटकम कैसे लेके आना. नाउ द ब्रॉन्ज मेडल चेंज इट टू गोल्ड मेडल? डेफिनेटली सर, लास्ट टाइम भी जो फोकस था, जो एम था हमारा, गोल्ड का ही था. बट आई थिंक जब भी हम मेजर टूर्नामेंट में कहीं जाते हैं तो एक गोल्ड का लेके जाते हैं कि अपना गोल्ड मेडल जीते वहाँ पे. एंड इस टाइम भी पूरी कोशिश करेंगे अपना 100% देंगे कि जो कि हम गोल्ड मेडल जीते देश के लिए. बेस्ट विशेस सर, थैंक यू सो मच.